GD, yeah, bro. I mean, GD is an amazing, amazing artist. Do it yourself. तो जीडी बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, बहुत ही दिल का आर्टिस्ट है ब्रो, बहुत ही वेरी मैच्योर राइटिंग, वेरी मैच्योर कंपोजिशन, वेरी मैच्योर डिलीवरी. सो एवरीथिंग अबाउट हिम इज एक्चुअली वेरी मैच्योर. जीडी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटरनेशनल हिप हॉप. या आई मीन साउंड इज वेरी गुड, सारे लोग बहुत अच्छे हैं यार. सृष्टि इज अमेजिंग, ग्रेविटी इज अ फकिंग बीस्ट. सनी को तो आप लोग जानते हो कि उसके अंदर वेरिएशन और बहुत सारी चीजें. पैराडॉक्स, महाकसम भाई, पैराडॉक्स गैंग वाले मुंडे, अलग लेवल का प्राणी है प्राणी, पैराडॉक्स. GD 47, नैस ब्रो, नैस मेरा हाई रेफरेंस किए, यू नो सुपर मानिक, एमसी स्क्वायर मेरा भाई, एमसी स्क्वायर सब लोग तुम जानते हो, सब लोग पॉपुलर हो गए, मुझसे ज्यादा पॉपुलर तुम लोग. हाँ, मुफाड़ मेरा भाई, बहुत टफ कॉम्पिटिशन है ब्रो, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है. अभी GD गया तो एक्चुअली बहुत बुरा लगा दिल से. मतलब सोचना, हम लोग कितने टाइम से शूट कर रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों से वहां पर मिल रहे हैं, देयर सो मेनी थिंग गोइंग ऑन. सो राइट नाउ इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग व्हेन पीपल आर. और मैं ये भी एक्चुअली सोच के, मुझे बड़ी बीटी होती है कभी कभी कि यार एंड होने वाला है हसल. ओह शिट, यू नो, एक ऐसा थॉट आता है कभी कभी कि यार हसल विल एंड सून. तो वो एक, वी नीड मोर शोज लाइक हसल, लाइक देयर इज नो शो लाइक हसल ब्रो, क्योंकि इतने प्योरिटीज और इतने सही लोग है ना. मतलब अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग को मौका नहीं मिलता है, लेकिन जब आप अगर देखोगे वहां पर कि यू नो हाउ थिंग्स आर डन, इतने 0.1% का फैब्रिकेशन नहीं होता है ब्रो, कुछ नहीं होता है, जो होता है एज इट इज होता है. मैं वहां पर रहता हूँ, मुझे मालूम है, जिस लाइक मतलब कुछ भी ऐसी बनावटी चीजें नहीं होती. बहरहाल, सो ये सब चीजें, शाउट टू MTV, शाउट टू फ्रीमेंटल, शाउट टू ऑल द कंटेस्टेंट, शाउट टू ऑल द जजेस, बादशाह किंग, डी एंड EPR मेरा भाई. सो बहुत बहुत बिल्कुल जीरो नेगेटिविटी है यार, जीरो नेगेटिविटी एवरीवन. सो मेरा एक ही होगा, सुपरस्टार सारे. हाँ, सुपरस्टार सारे ब्रो. ग्रेविटी बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरग्राउंड को बोलते हैं, अंडरग्राउंड को मेनस्ट्रीम लेकर आना. इसके बाद आप देखना क्या क्या चीज, अभी देख क्या ना कि एक चीज हो जाती है, उसके बाद अभी क्या होने वाला है अपने को पता नहीं, तो उनकी किस्मत है. लेकिन एज फार एज द साउंड इज कंसर्न, एज फार एज द आर्टिस्ट्री इज कंसर्न, एक दिन में गाना लिखता है. डिवाइन का जैसा हुआ है ना स्केलिंग, मतलब अंडरग्राउंड से अभी मेनस्ट्रीम, वैसा आई सी समवेयर. या ग्रेविटी एंड नैज, ग्रेविटी एंड नैज बोथ ब्रो. आई मीन मुंबई सीन के दो लोग बहुत तगड़े, ग्रेविटी एंड नैज आर सो फकिंग पावरफुल. मैं तो बोलता नजर ना लगे ब्रो इन लोग को, इन लोग किसी के टैलेंट, मतलब किसी की इस लेवल का टैलेंट. लिल वेन का रेफरेंसिंग, या ब्रो एवरीथिंग, यू नो, ग्रेविटी इंटेंस, बॉम्बे की भाषा नहीं बोलता, उसकी पता नहीं लैंग्वेज कुछ पढ़ी लिखी बहुत ज्यादा, वेरी वेरी पावरफुल लैंग्वेज. एट द सेम टाइम नैज ऑलवेज बॉम्बे का है, बॉम्बे के तरीके से बात करता है, लेकिन शक्ल बहुत जॉली है, बहुत ही लेड बैक है, जो भी बोलता है सुनने में अच्छा लगता है. सो सबका अपना अपना चार्म है ब्रो, यू नो. MC स्क्वायर, यू नो, हम्बल से आता है वहां पर, क्या करेगा पता नहीं चलता है, नेक्स्ट आकर क्या बोल. स्पेक्ट्रा भी आगे, हाँ हाँ ब्रो, स्पेक्ट्राइजिंग. सो ऑल द गाइज, कंटेस्टेंट के बारे में आपको स्पेशली बता रहा हूँ ब्रो, कि वहां पर कभी कभी क्या होता है ना ब्रो, एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इट्स अ शो. तो मेरा बस चलेना कॉम्पिटिशन में किसी को भी बिल्कुल 110-10 ऑन दू सबको, क्योंकि मुझे मालूम है सब लोग पावरफुल है. लेकिन कभी कभी क्या है शो में ये दिखाना बहुत, क्योंकि आप लोग भी शो को देख रहे हो, यू नो. सो ये अगर मैं तारीफ कर दूंगा किसी परफॉर्मेंस की जो अच्छी नहीं गई है, तो उसमें मैं बुरा बनूंगा, क्योंकि फिर वो हो जाएगा कि यार सब लीपापोती चल रही है एंड एवरीबडी इज प्रेजिंग एवरीथिंग. सो आई डोंट डू दैट. बाकी तो बढ़िया है यार, गाने बन रहे हैं, बहुत सारे गाने आने वाले हैं, बहुत अच्छे बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग के साथ में कोलैब कर रहा हूँ, जो इंसान भी बहुत बड़े हैं, आर्टिस्ट भी बहुत बड़े हैं. बहुत सारे नए लोगों से मिल रहा हूँ, बहुत सारे नए टैलेंट के साथ में कोलैब कर रहा हूँ. किंग की टीम में कौन अच्छा लगता है? पैराडॉक्स. नो ब्रो, किंग की टीम में आई मीन ब्रो, आई एम टेलिंग यू समथिंग, आई मिस्ड आउट वेरी इंपॉर्टेंट गाय एक्चुअली, अपना यूके रैपी बॉय, इतना अच्छा लड़का है, इतनी अच्छी सोल है उसकी. वो जब भी आता है, पता नहीं आप लोगों ने मेरे कमेंट या फिर कलेक्टिवली सबके कमेंट देखे कि नहीं, यू नो, यू फील अ सेंस ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय, बिकॉज आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड इंडिविजुअल एंड अ सुपर गुड आर्टिस्ट. और बाहर आकर जब वो अपनी जोन में गाना करेगा, जहां पर उसको वेरिएशन दिखाने की जरूरत नहीं है, और जो अपने दिल से फील करके करेगा जो उसने किया था,
अपने उत्तराखंड के बारे में उसने गाना लिखा था, तो वो इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग अमेजिंग नेक्स्ट लेवल. तो सब लोग अच्छे हैं. लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं एक्चुअली ऐसे ही बैठा हुआ था, मेरे को लगा कि आकर थोड़ी आप लोगों से बात कर लूं, कोई ऐसी विशेष बातें नहीं है बताने को. मैं बस खुश हूं क्योंकि गाना अभी मेरा खत्म किया, जो मुझे लग रहा था कि एक ओके ओके गाना है, लेकिन जब वो खत्म हुआ तो बहुत बड़ा गाना बन गया. सो ये सारे गाने, मतलब 25-40 गाने मैंने बनाकर रखे हुए हैं, पता नहीं कब डालूंगा, लेकिन डालूंगा. आप लोग के लिए बना रहा हूँ तो जल्दी डालूंगा. बाकी और लव ब्रो, बाकी और कोई अपडेट है कोई बताने को भाई लोगों को? कोई अपडेट है नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा है. गॉड इज बीन एक्सट्रीमली काइंड. वी आर मेकिंग म्यूजिक, वी आर कोलैबोरेटिंग, आई एम स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, फैमिलीज आर सेफ, एवरीथिंग इज फाइन. बहुत सारे नए लोगों से मिला, लाइक आई सेड, एंड शो कर रहा हूँ, बहुत सारी जगह शो कर रहा हूँ, आप लोगों को पता लगेगा. उसकी तैयारी भी कर रहा हूँ शो की, और बॉम्बे में शो है फिलहाल 28th को. जो बम्बई के लोग हैं, शाउट आउट टू ऑल द पीपल एक्चुअली फ्रॉम बॉम्बे, दिस ब्यूटीफुल सिटी, कि आप लोग प्लीज़ आना वहाँ पर. 28th को शो कर रहा हूँ बॉम्बे में, उसके बाद मैं अपडेट दूंगा क्योंकि बहुत सारी डेट्स अभी कन्फर्म नहीं हुई है. कन्फर्म हो गई है, हो गई है, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊँ, उसका फ्लायर नहीं आया, फ्लायर नहीं आया. तो ये सब है, एंड बाकी लव टू एवरी वन ब्रो, लव टू ऑल द पीपल. हसल को जो आप लोगों ने दिया हुआ है प्यार, सो उसके लिए थैंक यू सो मच. मैं थैंक यू क्या बोलूँ, एक्चुअली उन लोगों ने कमाया है, जितने कंटेस्टेंट्स हैं उन्हीं ने कमाया. हम तो हैं आदित्य पुष्कर ब्रो, प्रोडक्शन जितने हसल के, मतलब ऐसा हसल इतने दिमाग में बैठा हुआ है ना मेरे हसल की, उसी के बारे में अपडेट देना अभी. बट या ब्रो, आई मीन यू नो, साउंड टीम ग्रेट 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 टीम, साउंड टीम, लाइट टीम, प्रोडक्शन हाउस, एवरीबॉडी ग्रेट ग्रेट ग्रेट. सो मिलते हैं जल्दी, अपडेट में आप लोगों को देता हूँ. चाओ, आई विल सी यू गाइस.